हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल विद स्टडी पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है भाषा, लिपि और व्याकरण। आज के हमारे इस वीडियो में हम भाषा, लिपि और व्याकरण के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं भाषा किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम अपने मन के भाव या विचार बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं और दूसरों के भावों या विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। इस प्रकार बोलकर और लिखकर भाषा व्यक्त की जाती है तथा पढ़कर और सुनकर भाषा समझी जाती है। अतः पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं भावों और विचारों के आदान प्रदान के सामर्थ्य माध्यम को ही भाषा कहते हैं। भाषा के तीन भेद होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं या सुनकर दूसरों के विचारों को समझते हैं तो उस भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। इसी प्रकार जब हम लिखकर अपने मन के भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों के मन के भाव या विचार को समझते हैं तो उस भाषा को हम लिखित भाषा कहते हैं। मूल रूप से हम कह सकते हैं मौखिक भाषा के लिखित रूप को लिखित भाषा कहा जाता है। जब हम अपने मन के भावों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं या अपने मन के भावों या विचारों को संकेतों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों के मन के भाव या विचारों को संकेतों के माध्यम से समझते हैं तो उस भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। किसी भी भाषा को लिखने के लिए हम जिन सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, सांकेतिक चिन्हों की उसी निर्धारित व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी, संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। स्टूडेंट्स, आइए अब जानते हैं व्याकरण के विषय में। भाषा के शुद्ध और सही प्रयोग का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। अर्थात व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण के नियमों के कारण ही भाषा सही और सुंदर स्वरूप प्राप्त करती है। व्याकरण के तीन भेद होते हैं, पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। शब्द की रचना वर्णों से होती है। वर्ण विचार में वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्णों के मिलने से शब्द निर्माण आदि का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक भाषा अपनी ज़रूरत के अनुसार शब्दों का निर्माण करती है और दूसरे स्रोतों से शब्दों को ग्रहण करती रहती है। शब्दों के निर्माण, विकास, अर्थ आदि का अध्ययन शब्द के विचार के अंतर्गत किया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि इसे शब्द विचार कहते हैं। आइए अब जानते हैं वाक्य विचार के विषय में। प्रत्येक भाषा में वाक्य की एक निश्चित बनावट होती है। सामान्य रूप से वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आती है, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। यहाँ इस वाक्य में मोहन कर्ता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ता क्रिया है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस